नमस्कार, मैं हूँ गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आई रुक करते हैं खबरों की तरफ। बागपत में बीएसपी लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण बैसला ने किया नामांकन। चिकित्सा, रोजगार और यातायात व्यवस्था के मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरे बीएसपी प्रत्याशी। बीजेपी के विकास के दावे पर बीएसपी प्रत्याशी ने पलटवार कर कहा कि बीजेपी के गोद लिए हुए गांवों का विकास सिर्फ गोद में ही रह गया है। 21 अप्रैल को बीएसपी सुप्रीमो प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। फॉर्म भरा आज किस पार्टी से भरा रखना पड़ेगा? मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। बहन जी के आशीर्वाद से मैं लोकसभा बागपत से चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा नाम प्रवीण बैसला है। प्रवीण जी, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और लोकसभा में आपने घुमा दिया, आपको क्या लग रहा है, कैसा समर्थन मिल रहा है? क्या मैं पूरे 15 से 17 दिन हो गए पूरे इलाके में, पूरे गांव में, देहातों में घूम रहा हूं और मुझे यहां कुछ भाजपा का मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल चुनाव सारा एक तरफा, सब समाज हमारे से जुड़ रहा है और चुनाव बिल्कुल एक तरफा होना है, कोई भी टक्कर में नहीं है हमारे। भाजपा तो विकास की बात करते रही, विकास दिखाई भी दे रहा है, आपको क्या लगता है विकास तो कहां विकास, हमें तो दिखाई नहीं। हम तो पूरे गांव में सब सड़कें टूटी पड़ी हैं, भाजपा की सरकार है, इनके विधायक हैं, इनके मंत्री हैं, सब इनके गांव सारे टूटे पड़े हैं। हमें तो गांव में कहीं आप घूम गए, गांव में पूरे घूम लिया, हमें तो कहीं विकास दिखाई नहीं दे रहा इनका। जो है विकास उन्होंने गोद लिए, गोद में बताते हैं, गांव में उन्होंने गोद लिए, गोद की गोद में ही है, कुछ कर ही नहीं रहे। प्रवीण जी, वोटों का बंटवारा हो चुका है, आरएलडी अपनी जाटों की वोट बता रहे हैं, समाजवादी मुस्लिम, आप किस वोट में चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, हम तो सब समाज पे लड़ रहे हैं, सब समाज हमारे साथ है, हमारी बरादरी हमारे साथ है, जाट भाई भी हमारे साथ है। और आप कह रहे हो जी समाज पार्टी मुस्लिम साथ है, मुस्लिम भाई साथ नहीं है समाज पार्टी के, मुस्लिम भाई समाज पार्टी बहुत नाराज है, वो हमारे साथ है, हमारे साथ हाजी फिरोज भी हमारे साथ आए हुए हैं और बाहर हमारे साथ बहुत लोग लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम समाज नहीं जाएगा बिल्कुल। बागपत लोकसभा के लिए आपका विजन क्या है? विजन सर, मेरा सबसे पहले विजन यहाँ के स्वास्थ्य का है और यहाँ का जो है परिवहन की व्यवस्था नहीं है, गाँव में दूसरे गाँव में जाना है, दिल्ली जाना है, बहुत लोग परेशान है वहाँ के, कमर टूटी पड़ी है लोगों को। दिल्ली से नजदीक होती है बागपत सीट जो है और दिल्ली यहाँ से कोसों दूर है, इस पर विशेष ध्यान दूंगा, कोशिश करूंगा कि गांव से दूसरे हम कन्वेंस का और शिक्षा का स्वास्थ्य पे जोड़ देना है। रणनीति क्या बनाएगी? रणनीति सर यही है, विकास करना है, विकास के लिए है, सेवा करना है लोगों की, सेवा के लिए आए, सेवा करेंगे, कोशिश करेंगे। आपका निकटतम प्रतिद्वंदी कौन है? सर मुझे तो निकटतम दिखाई दे रहा है, तो घूम रहा 15 दिन से, हम तो एक तरफ ही चुनाव चल रहे हैं, बिल्कुल एक तरफ लग रहा है, तो कोई है नहीं हमारे नजदीक। लोकसभा चुनाव है, क्या बहन जी का दौरा होगा? बहन जी बिल्कुल, बहन जी दौरा होगा, बहन जी 21 अप्रैल को बहन जी बागपत आ रही है, बहन जी बिल्कुल। थैंक्स। आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।